दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से ट्रेनर, मोटिवेटर, ऑथर, लाइफ कोच। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करूंगा क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर में 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर में हुए हैं। ये प्रूव करता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मेरी बातें अच्छी लगती है और आपको अट्रैक्ट करती है। आप जरूर इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, करते ही हैं आप लोग, और फॉरवर्ड करते रहिए और आपके और दोस्तों तक इस मैसेज को आप पहुंचा सकते हैं। चलिए इस हफ्ते की एक कहानी से शुरू करेंगे, एक बात से शुरू करेंगे। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं देखता हूं कि उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ सवालात उसमें कर रहे हैं, तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करते हैं और आपके मन में कुछ सवाल है वो अगर आप पूछते हैं तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि किसी प्रोस्पेक्ट ने मेरे से ही क्यों बीमा लेना चाहिए, उसने मुझसे ही क्यों पॉलिसी लेनी चाहिए। तो क्यों लेनी चाहिए उसके मैं कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्यों पॉलिसी उसने लेना चाहिए। देखिए एजेंट बहुत है, रिलेशन में एजेंट बहुत है, चाचा का लड़का एजेंट है, मामा का लड़का एजेंट है, मेरा जवाई एजेंट है, ये एजेंट है, वो एजेंट है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि इन सब एजेंटों में जो भी 11 लाख 12 लाख एजेंट है LIC के, इसमें से प्रोफेशनली काम करने वाले लोग कितने? बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एजेंट है, लेकिन मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि इसमें से प्रोफेशनली काम करने वाले लोग कितने? अगर मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूं तो उसने मेरे से पॉलिसी लेना चाहिए, लेकिन उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म किस तरह से होता है? डॉक्टर कम्युनिटी को अगर हम देखें तो डॉक्टर्स में कोई डॉक्टर 50 रुपया फीस लेता है, कोई 100 रुपया फीस लेता है, कोई 200 फीस लेता है कंसल्टिंग फीस, कोई 500 लेता है, कोई 700 लेता है, कोई 1500 लेता है, और जो सर्जन है वो आधा घंटा एक घंटे की सर्जरी का लाखों रुपए लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये सब लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। जो 50 रुपया लेता है वो भी डॉक्टर लगाता है, जो 500 लेता है वो भी डॉक्टर लगाता है, जो 5,000 लेता है, 50,000 लेता है, 5 लाख लेता है वो भी अपने आगे डॉक्टर ही लगाता है। तो इन सब डॉक्टर में फर्क क्या है? तो फर्क एक चीज का है कि सबके नॉलेज में फर्क है, सबके पास की जो डिग्री है उसमें फर्क है। एक डॉक्टर जो 50 रुपया लेता है और एक डॉक्टर जो 200 रुपया लेता है, तो 200 रुपये के पास, 200 रुपये लेने वाले डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है। मेरा एक ही मतलब आता है कि why people should choose you, आपकी एबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप आपकी एबिलिटी बनाते हो तो डेफिनेटली लोग आपके पास से पॉलिसी लेंगे। मेरे कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमारे एक सूरत के जाने माने एजेंट दोस्त हैं और उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे को कहा था, सर मैं एक पार्टी के पास गया, उस पार्टी ने मेरे को सवाल किया कि मैं 20 साल से मेरा एक ही एजेंट है तो मैंने तुमसे पॉलिसी क्यों लेना चाहिए। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने बोला सर आपकी ऑफिस बड़ी शानदार है, ये आपकी कितनी भी ऑफिस है, जब से आपने कारोबार शुरू किया तब से ये ऑफिस कितने भी है, ये मेरी 5वीं ऑफिस है। तो सर इसके पहले आप 4 ऑफिस बदल चुके हैं? जी। अच्छा ये ऑफिस आपकी खुद की है? ये मेरी खुद की है। इसके पहले की? वो भी खुद की थी। उसके पहले की 3 ऑफिस जो थी वो रेंटल थी। सर पहली ऑफिस में आपने जो कारपेंटर रखा होगा उसी कारपेंटर ने आपके ये 20 साल के बाद की इतनी शानदार जो ऑफिस आपने बनाई है, इस ऑफिस का भी इंटीरियर डिजाइनर उसी कारपेंटर ने किया क्या? तो पार्टी हंसने लगी। पार्टी बोलती ना भाई, वो कारपेंटर उसका लेवल अलग था, आज 20 साल के बाद मेरा लेवल चेंज हो गया है, आज ये ऑफिस बनाने का काम उस कारपेंटर का नहीं है। तो एजेंट ने हंसते हुए कहा कि सर 20 साल में आपने कारपेंटर चेंज किया लेकिन 20 साल में आपने इंश्योरेंस एजेंट वही का वही रखा। यू शुड डील विथ अ कॉरपोरेट लेवल पे जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में आपको डील करनी चाहिए।
लेकिन इसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या हम कॉरपोरेट लेवल पे डील कर सके उस तरह से हमने अपने आप को तैयार किया है क्या। डॉक्टर जैसे अलग अलग नई नई डिग्रियां लेके अपने आप को अपग्रेड करता है, उसी तरह से हमें भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और ऐसे अपग्रेडेशन के लिए IOE बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम जो हम देते हैं, बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, कॉरपोरेट कोर्स है, लॉट्स ऑफ कोर्सेस इज देयर। लेकिन ये सब का एक महासम्मेलन जिसको मैं बोल सकता हूं कि हर यूनिवर्सिटी का एक एनुअल डे होता है। वैसे दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का एक एनुअल डे जो 20, 21, 22 अक्टूबर को होने जा रहा है, 3 दिन, इसको मैं महासम्मेलन बोलता हूं, इसको मैं महाकुंभ मेला बोलता हूं। पिछले 13-14 सालों से नॉन स्टॉप 2,500-3,000 लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया के एजेंट वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया के एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहां सीखते हैं। यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम बिजनेसमैन से सीख सकते हैं। तो वहां पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन आते हैं, वहां पर सक्सेसफुल CoT ToT एजेंट आते हैं, वहां पर जितने भी लीडर्स हैं हमारे ऑल इंडिया में, जहां जहां हम लोग कोर्स कर चलाते हैं, सब रीजन के लीडर्स वहां पे एज अ स्पीकर करके आते हैं, अपना ज्ञान वहां पर आप लोगों को बांटते हैं। आप जो वीडियोस मेरे आप देख रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे वीडियोस इसी कन्वेंशन के जो 12-13 साल से हम करते आ रहे हैं, उसी का कोई पार्ट मैं आप लोगों के बीच में YouTube के चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर करता हूं। सोचिए अगर 3 दिन का ऐसा एक एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिले, 3 दिन का इस तरह का माहौल आपको मिले जिसमें लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, क्या मेरा एक ही सवाल है, जो आदमी सक्सेसफुल है वो आप ही के इलाके में सक्सेसफुल डिवीजन के नंबर वन एजेंट आप ही के इलाके में काम कर रहे हैं, व्हाई इज अ नंबर वन इन योर एरिया, व्हाई इज अ नंबर वन, इसका मतलब पोटेंशियल आपके मार्केट में है, आपके इलाके में है, लेकिन हमने डिवीजन के नंबर वन एजेंट ने अपने आप को जैसे तैयार किया वैसे हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। बस वो तैयारी अगर हम करते रहे और एक एक कदम हम आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल को जरूर दबाइए ताकि ये वीडियो जब भी हम लोग अपलोड करें नए वीडियोस तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे पिछले भी जितने वीडियोस हैं चैनल में वो भी आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।